दर्शकों नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं मिनिस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हाउडी मोदी में शिरकत करेंगे ट्रंप। अमेरिका में इमरान की फिर होगी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। इंजीनियर्स डे पर देश ने किया डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को याद, पीएम मोदी ने दिया संदेश। जन्मदिन पर गुजरात जाएंगे पीएम मोदी, मां का लेंगे आशीर्वाद। मेहुल चौकसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर डाली पीएचडी। हाउडी मोदी में शिरकत करेंगे ट्रंप। अमेरिका में इमरान की फिर होगी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। 22 सितंबर को ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। यह काफी बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 50,000 से ज्यादा दर्शक शामिल होंगे। हाउडी मोदी नाम के इस कार्यक्रम में ट्रंप हिस्सा ले सकते हैं। इंजीनियर्स डे पर देश ने किया डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को याद, पीएम मोदी ने दिया संदेश। इंजीनियर डे पर डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, इंजीनियर परिश्रम और दृढ़ संकल्प का ही एक रूप होते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, इंजीनियर परिश्रम और दृढ़ संकल्प का ही दूसरा रूप है। जन्मदिन पर गुजरात जाएंगे पीएम मोदी, माँ का लेंगे आशीर्वाद। 17 सितंबर को वो अपने घर जाएंगे और अपनी माँ का आशीर्वाद लेंगे। पीएम मोदी केवड़िया भी जाएंगे और सरदार सरोवर बांध का भी दौरा करेंगे। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर बांध पर महाआरती का कार्यक्रम रखा है। मेहुल चौकसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर डाली पीएचडी। बीते 9 वर्षों में चौकसी ने लगातार मोदी के कार्यों को बारीकी से समझा जाना और कानून की पेचीदगियों के साथ लोक प्रशासन की बारीकियों को भी गहराई से परखा। शोध कार्य में उन्होंने मोदी के पहले चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री काल तक के सफर को शामिल किया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूले। फिलहाल वक्त हो चला है अब एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।